हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार स्टडी डॉट कॉम। आज हम फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ मैथ में यानी गणित में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलीनोमियल्स, है ना। और फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर पढ़ चुके हैं। जो भी फ्रेंड्स नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, है ना। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स इसी तरह का दिया, आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो नीचे में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी वीडियो का यानी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और इसी तरह का यदि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स गूगल पर सर्च कीजिएगा star.study.com, इस पर जाके आप बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का लिंक आपका नीचे दिया गया है, वहाँ पर आप जाके सर्च कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स बहुत सारा मॉडल सेट और लेटेस्ट पैटर्न पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत क्वेश्चन दिया गया है, उस पर जाकर आप बिल्कुल फ्री विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि घात एक वाला बहुपद यानी पॉलीनोमियल्स कहलाता है। तो फ्रेंड्स घात एक वाला यानी क्या होता है, जिसका घात एक हो तो क्या है एक आप प्लस दो। मान लीजिए जिसका घात क्या है एक है तो क्या होता है रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या क्या कहलाता है फ्रेंड्स, रैखिक बहुपद। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि काफ़ी शानदार क्वेश्चन ये भी है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन का एक शून्यक कौन होगा। यानी ये आपका बहुपद दिया गया, क्या दिया गया है फ्रेंड्स, बहुपद दिया गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। अब क्या है, का एक शून्यक है तो मतलब क्या, बराबर हम जीरो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका फैक्टर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड और थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू वन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर को फ्रेंड्स हम इस तरह से हम जोड़ के या घटा के हमको टू एक्स लाना और गुना करके फिर हमको क्या वापस एक्स स्क्वायर लाना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स प्लस एक्स को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। और एक्स को गुना करेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स हो जाएगा यहाँ पे और प्लस वन, आप प्लस फिर वन कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक्स प्लस वन यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या करेंगे हम एक लेंगे, एक्स प्लस वन और यहाँ पे क्या है एक्स और यहाँ पे क्या है प्लस वन, तो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। यदि हम बारी बारी से हम सबको जीरो करेंगे तो एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस वन। और यहाँ भी एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वन। क्या हो जाएगा इसका मतलब, एक्स बराबर क्या हो गया आपका, माइनस वन आ गया फ्रेंड्स, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि यदि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर हो तो पी ऑफ एक्स का एक शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, पी ऑफ एक्स का एक शून्यक निकालना है। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर यानी पी ऑफ एक्स बराबर, है ना। तो क्या बोल रहा है कि पी ऑफ एक्स का शून्यक मतलब इसको हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, पी ऑफ एक्स को जीरो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर बराबर जीरो लिख सकते हैं ऐसे, है ना, उसको उल्टा कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको फ्रेंड्स फैक्टर निकालेंगे। यदि फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस फोर को यदि हम एक्स स्क्वायर इंटू माइनस फोर को मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यानी माइनस फोर एक्स स्क्वायर को इस तरह से हमको जोड़ या घटा के माइनस थ्री एक्स पुराना है और गुना करके माइनस फोर एक्स स्क्वायर पुराना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस फोर एक्स प्लस एक्स को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। और इसको यदि हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वापस माइनस फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एक्स माइनस फोर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस फोर, आप प्लस वन कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस फोर बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो एक्स माइनस फोर फ्रेंड्स यहाँ पे और एक्स प्लस वन बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस वन। देखिए यहाँ पे x माइनस फोर बराबर जीरो करेंगे तो फ्रेंड्स x बराबर क्या हो गया, फोर हो गया। और x प्लस वन बराबर जीरो करेंगे
तो x बराबर माइनस वन हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे फ्रेंड्स माइनस वन तो किसी ऑप्शन में नहीं है लेकिन फोर है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फोर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान निकालो। देखिए फ्रेंड्स कोई भी आपका द्विघात समीकरण रहता है, क्या है यानी क्या आपका द्विघात समीकरण के फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो रहे, तो आप ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में है तो उसका शून्य क्या है ए और बी यानी अल्फा, शून्य अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपका सी अपॉन ए होता है, और यदि मूलों का गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए हो जाएगा है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हम इससे यदि तुलना करेंगे तो फ्रेंड्स ए बराबर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, यानी यहाँ पे क्या है ए इंटू बी का मान निकालना है, यानी शून्य क्या है ए और बी है, क्या है ए और बी है यानी अल्फा इंटू बीटा मान लिए है ना, तो ए और बी सी अपॉन ए, तो सी बराबर क्या हो गया फाइव है और ए बराबर क्या है वन है, तो क्या हो जाएगा फाइव अपॉन वन यानी फाइव हो जाएगा, तो फाइव किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स वन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि द्विघात बहुपद फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन के शून्यकों का योग निकालना है। द्विघात बहुपद एक ये फॉर्म दिया गया है, द्विघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ये होता है ना, तो अब यहाँ पे इससे यदि हम तुलना करेंगे फ्रेंड्स तो ए बराबर क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, ठीक है, और बी बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स फोर है यहाँ पे, और सी बराबर क्या है वन है, तो शून्यकों का योग निकालना है यानी मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या होता है फ्रेंड्स अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस पहले से है यहाँ पे है ना माइनस है, और बी बराबर क्या है फोर है और ए बराबर क्या है फोर है, तो इसको कट करेंगे तो फोर एकान फोर है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस वन, तो माइनस वन किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका है ऑप्शन नंबर टू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यदि बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव के शून्यक ए और बी हो तो फोर इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होगा, है ना, तो अब देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद आपका दिया गया है तो इसको हम क्या करेंगे ए बराबर यदि क्या है वन है और बी बराबर क्या है माइनस थ्री है और सी बराबर क्या है फाइव है, तो अब क्या निकालना है पहले निकाल लेते हैं शून्य ए और बी है शून्यक दिया गया है, तो यानी ए की जगह पर हम क्या मान लें अल्फा मान लें और बी की जगह पर बीटा मान लें, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा अपने शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन ए है ना माइनस बी अपॉन ए, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पे कर दीजिए जैसे ए ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, तो ए प्लस बी बराबर माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे क्या है फोर इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या है फोर इंटू यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे क्या है माइनस बी के जगह पे क्या है माइनस थ्री है, क्या है माइनस थ्री और ए के जगह पे क्या है वन है, तो माइनस माइनस प्लस थ्री अपॉन थ्री यानी थ्री आ जाएगा, तो अब ए प्लस बी का मान कितना निकल गया थ्री निकल गया, तो फोर इंटू थ्री क्या हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा, ट्वेल्व किस ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर टू में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यदि बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर का एक गुणनखंड एक्स प्लस टू हो तो पी ऑफ एक्स का एक शून्य क्या होगा, पी ऑफ एक्स का क्या है एक शून्य क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड इतना है तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या है एक्स प्लस टू दिया गया है, पी ऑफ एक्स का एक शून्य तो इसको क्या पी ऑफ एक्स को शून्य शून्य मान लेंगे, तो शून्य बराबर एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू बराबर जीरो लिख सकते हैं इसको है ना, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस टू, तो एक्स बराबर माइनस टू कहाँ पे है ऑप्शन नंबर टू में है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यदि बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर फोर एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकालना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फ्रेंड्स मान निकालना है, तो देखिए
यदि फ्रेंड्स त्रिघात बहुपद रहता है, क्या है त्रिघात बहुपद रहता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है फ्रेंड्स त्रिघात बहुपद का फॉर्म रहता है, तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है माइनस डी अपॉन ए होता है, ठीक है माइनस डी अपॉन ए होता है। तो अब यहाँ पे देखिए तुलना कीजिए फ्रेंड्स, क्या है ए बराबर क्या है यहाँ पे 4 है और बी बराबर क्या है माइनस 5 है, सी बराबर क्या है 3 है और डी बराबर क्या है 7 है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए होता है ना। तो माइनस डी का मान क्या है आपका माइनस सॉरी 7 है और ए का मान क्या है 4 है, तो माइनस 7 अपॉन 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 है फ्रेंड, क्या है ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक माइनस 2 और माइनस 5 है होगा। तो देखिए द्विघात बहुपद का एक शून्यक दो शून्यक दिया रहता है, तो फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है द्विघात बहुपद निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा ये नहीं होगा फ्रेंड्स है ना, यानी अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। यदि द्विघात समीकरण निकालना रहता तब बराबर 0 होता है, तो यहाँ पे क्या है माइनस 2 और माइनस 5 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे माइनस 2 प्लस माइनस क्या होता है माइनस 5 कर सकते हैं ना इंटू एक्स प्लस अल्फा माइनस 2 इंटू माइनस 5 है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2 और माइनस 5 क्या होता है माइनस 7 इंटू एक्स प्लस माइनस 2 और माइनस 5 क्या होता है 10 हो जाएगा, 5 टू जा क्या होता है 10 आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है प्लस 7x प्लस 10 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका 2 में है, क्या है ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि यदि त्रिघात बहुपद आपका दिया रहता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी यदि दिया रहे, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है आपका सी अपॉन ए होता है, क्या होता है सी अपॉन ए होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 3 हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स इसी तरह का यदि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिएगा starkstudy.com, इस पर जाके आप बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे में टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।